दोस्तों मैं आप लोगों को तो पता है मुझे गांव बहुत पसंद है ज़्यादा वक्त मैं गांव में ही गुजार रहा हूं, और अब मैं पूर्णतः गांव में रहना चाहता हूं। आ, आपने मेरा एक बड़ा सा घर देखा रहा होगा ये है ये घर जो है एक ही महिला था अभी दूसरा फ्लोर बनवाने का काम चालू हो गया है इसको जनवरी फरवरी तक बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा और घर फिर से पेंटिंग करवाऊंगा ये मेरी कमाई का पहला ट्रैक्टर था लेकिन अब मैं ज़्यादा वक्त गांव में इसलिए गुजारना चाहता हूँ क्योंकि तो मैं किसान बनना चाहता हूँ ये देखिए अपने लिए छोटा सा आसियाना बनवा रहा हूँ एक कमरा बरामदा हाँ और यहाँ पर आ, ये हमारा बाउंड्री बनवाऊँगा आगे देखिए बाउंड्री शुरू है ये मैंने लौकी की खेती की है ये देखिए इस बार खेती में मैंने थोड़ा सा धान बोया है धान की खेती करी अच्छी वाला बासमती धान है ये ठीक है एक्सपेरिमेंट किया और अभी मैं तरह तरह की और खेतियां करना चाहता हूं फूल की गेंदे की फूल का बिजनेस और अम, अम, धान और जानवर कुछ पालूँगा दो तीन गाय हैं लेकिन अभी और सारी गाय ले आऊँगा ये ट्रैक्टर से खेती करूँगा शूटिंग करूँगा लेकिन शूटिंग उतना ही करूँगा जितना बस काम चल जाए आ, मैं भौतिकता वाले जीवन से ऊब गया हूँ मैं योगा मेडिटेशन और थोड़ा सा अध्यात्म में जाना चाहता हूँ और लोगों को शहर अच्छा लगता है मुझे नहीं लगता मैं पागल आदमी हूँ थोड़ा सा और लोग मुझे भी कहते भी हैं कि ये आदमी क्रेक है और सच में क्रेक हूँ मैं और कभी कभी क्रेक आदमी को भी अलग दुनिया होती है तो मैं थोड़ा सा पागल हूँ उधर सामने देखिए एक और घर बन रहा है वो घर जो है आपको दिखाऊँ नज़दीक से देख लीजिए ये देखिए ये घर मेरे छोटे भाई साहब बनवा रहे हैं और वही बहुत प्यारा घर बनवा रहे हैं ये मेरी फ्रूटी है मेरी डॉग ये और मैं अब ज़्यादा वक्त इसी गांव में रहूँगा और बड़ी अच्छी खेती करूँगा और ये जो हमारा ये आशियाना बना रहा हूँ अलग से अपने लिए ये मेरा बरामदा जहाँ मेरे गेस्ट रहेंगे और ये फुल्ली एक लेट्रीन बाथरूम किचन अट लेटरी बाथरूम किचन मास्टर बेडरूम एक बनवा रहा हूँ जिसमें पूरी साज सज्जा के साथ मैं रहूँगा और इसके ऊपर भी एक कमरा बनवाऊँगा ये आप देख लीजिए इसके ऊपर अभी शुरू हुआ चार पाँच दिन में वहाँ भी शुरू हो जाएगा एक कमरा ऊपर रहेगा और फिर आप सब मित्र हमारे जो रहेंगे उनको यहाँ बुलाऊँगा मंदिर हमारा बनी गया है मंदिर पर भोज करूँगा घर में लिट्टी चोखा लगवाऊँगा और यहीं पर धोमी रचेगी यहीं पर खेती किसानी करूंगा। दोस्तों आवश्यकताएं है, कम हैं ईएमआई वाली ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए फ़्लैट अब मुझे नहीं चाहिए कार मुझे स्वस्थ रहना है मस्त रहना है और गांव में खेती करनी है बीच बीच में बम्बई जाऊंगा, शूटिंग करूंगा, एक दो भोजपुरी करूंगा, कुछ और मिल गया तो और करूंगा, कर करा करके फिर फिर भागाया करूँगा गाँव में यहीं मस्त ज़िंदगी गुजारूंगा और एंजॉय कर रहा हूँ जो मज़ा गाँव में हो कहीं नहीं मेरे दोस्त निराहू गाना गाते हैं कि जमन मजा अरे गांव के सेवनिया में अरे मिली बड़े मुंबईया में नहीं अरे मुंबईया में नहीं अरे मुंबईया में नहीं मिली बड़ी बड़ी दुनिया में नहीं पता नहीं गाना सही गा रहा हूँ बुरा गा रहा हूँ लेकिन उनके गाने का मतलब यही है कि जीवन मज़ा गाँव में उत्तम तो ना हो तो नहीं रहो भैया तो हर गनवा तो हम आत तो और साथ के लेनी हो अब दिनेश जी को भी बुलाऊंगा कभी कभी यहीं हमारे मंदिर का उद्घाटन दिनेश भाई किए हैं और उनको बुलाऊंगा वो भी नेता बन जाएंगे यहीं पर दोनों भाई एकदम बीच बीच में लिट्टी चोखा लगेगी और आप लोगों को बुलाऊंगा भाई देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं गांव में रहने लगा हूं बहुत आनंद कर रहा हूं शूटिंग गांव शूटिंग गांव शूटिंग गांव और आप लोग भी आइए आपका स्वागत है लव यू